सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ओचरोबिन। तो फ्री फायर में गाइस आज जो है 6th एनिवर्सरी का काफी बड़े इवेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, जिसमें से एक जो सबसे बढ़िया इवेंट मुझे लगा है वो है ये वाला। इसका नाम है गैथर प्राइज, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपको एक डायमंड क्रेट इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप 6,666 डायमंड जो है जीत सकते हो। तो इस इवेंट को कैसे पूरा करना है, इसके अंदर से क्रेट और डायमंड आपको कैसे मिलेंगे, ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो इवेंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सभी को थोड़ा बहुत प्रोग्रेस जो है यहाँ पे पहले से ही गरीना ने दिया होगा। जैसे कि मुझे आप देख सकते हो 83% का प्रोग्रेस जो है पहले से दिया है, और मुझे 100% प्रोग्रेस करना है, तब जाके गाइस मुझे जो है रिवॉर्ड्स में ये क्रेट जो है मिलेगा, ठीक है। और प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए अपने फ्रेंड्स की मदद। तो वो मदद आप कैसे ले सकते हो, दो तरीके से ले सकते हो। एक तो आप फ्रेंड लिस्ट के थ्रू आप ले सकते हो, आपके यहाँ पे जो फ्रेंड लिस्ट वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन करना। यहाँ पे गाइस डेली के गाइस आप जो यहाँ पे 20 बंदों से हेल्प मांग सकते हो, उनको अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस ऑटोमेटिकली टिक हो रहे हैं, तो इनको कट करके जो है जो सा आपका पक्के वाले दोस्त हैं सिर्फ उन्हीं को भेजना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 20 की लिमिट है, 20 से ज़्यादा आप नहीं भेज पाओगे। अगर सामने वाले ने आपको हेल्प नहीं किया तो आज का आपका क्रेट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 20 ऐसे बंदे सेलेक्ट करने हैं जो आपको रिटर्न में आपकी हेल्प करें, अगर आप उनकी हेल्प करते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे गए सिलेक्ट करने के बाद नीचे आस्क फॉर हेल्प लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर देना। और दोबारा मैं आपको बता दूँ, 20 से ज़्यादा लोगों को आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते हो हेल्प की, ठीक है, एक दिन में। इसके बाद गए आपके जो दोस्त हैं वो अगर आपकी हेल्प करते हैं तो यहाँ पे गए एक हेल्प करने पर आपका प्रोग्रेस जो है 1% से बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे गए आप कैसे अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हो, यहाँ पे नीचे की साइड हेल्प फ्रेंड्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपके जो भी दोस्त हेल्प आपसे मांग रहे होंगे, जिन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी होगी हेल्प के लिए, वहाँ पे गाइज उनका नाम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने मेरे से मदद मांगी है तो मैंने इनकी हेल्प देख सकते हो आराम से कर दिया। और यहाँ पे गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक दिन में गाइज आप जो है यहाँ से सिर्फ 10 ही बंदों की हेल्प कर सकते हो, यानी कि गाइज जो 10 आपके पक्के दोस्त हैं उनकी आप मदद करना है। कोई आलतू फालतू लोग अगर आपसे रिक्वेस्ट मांगता है तो उनकी मत करना, ठीक है। या फिर करो भी तो फिर ये देखना है कि वो आपकी मदद वापस रिटर्न में कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप कर सकते हो उस बंदे की हेल्प, अगर वो आपकी भी हेल्प कर रहा हो तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे गाइज काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो खुद तो हेल्प ले लेते हैं लेकिन दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हेल्प मांगने का एक दूसरा तरीका इन्होंने और दे रखा है, जो कि है सोशल मीडिया। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिंक आपको दिखेगा, उसको आपको कॉपी कर लेना। इसके बाद जो भी आपका फ्रेंड ऐसा है जिसने फ्री फायर खेलना छोड़ दिया, यानी कि 1-2 महीने से फ्री फायर खेलना बंद कर रखा है लेकिन पहले वो खेलता था, तो उसको वो लिंक देना और उसको कहना कि जो है इस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक से लॉग इन कर ले, या फिर गूगल आईडी है तो गूगल आईडी से लॉग इन कर ले जीमेल से। और यहाँ पे गाइस जो है इवेंट उसका ओपन होगा और उसको आपका नाम दिखाई देगा, तो वो इसके थ्रू भी गाइस आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे को जो है यहाँ पे हेल्प करने पे 5 पॉइंट्स मतलब 5 प्रोग्रेस प्लस हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बंदा था जिसको मैंने भेजा था वो मेरी दूसरी आईडी थी और वो मैंने 2 महीने से मतलब 1-2 महीने से खेली नहीं थी, तो वहाँ पे गाइस वो है एक ओल्ड आईडी थी, तो यहाँ पे गाइस वो रिटर्न हुई, तो यहाँ पे उसके बदले मुझे 5 प्रोग्रेस मिला है। लेकिन अगर नॉर्मली किसी आप बंदे को भेजोगे जो रोज गेम खेलता है तो यहाँ पे उसके हेल्प से आपको सिर्फ 1 ही प्रोग्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोग्रेस के लिए आप ऐसे बंदे को भेज सकते हो जो मतलब 1-2 महीने से गेम ना खेल रहा हो या फिर 1 महीने से। और यहाँ पे मैं इवेंट का 1-2 रूल आपको और समझा देता हूँ। यहाँ पे गाइज जो है आपको जो 6th एनिवर्सरी का ये जो डायमंड का बॉक्स है गाइज ये सिर्फ 1 ही बार मिलेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे जो है रोज़ रोज़ आपको ये बॉक्स मिलेगा, ये बक्सा सिर्फ आपको 1 ही बार मिलेगा। इवेंट को कंप्लीट करने के लिए गाइज आप जो है डेली डेली मदद मांग सकते हो, अगर आपकी कोई मदद नहीं करता है तो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और रूल बताया हुआ है यहाँ पे कि आप जो है मदद सिर्फ उन्हीं लोगों से ले सकते हो जिनकी आईडी जो है 11 लेवल से अबोव है, यानी 11 लेवल से ऊपर की है। अगर आप नया अकाउंट बना के सोच रहे हो कि मैं अपनी खुद की मदद कर लूँगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे 100 का प्रोग्रेस हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर मोर पे क्लिक करूँगा तो मैं देख सकता हूँ किन किन लोगों ने मेरी मदद की आज के दिन। तो यहाँ पे 2 तो मेरी खुद की आईडी है जो पुरानी आईडी है, तो उनसे मुझे 5 का प्रोग्रेस मिला है, जिससे मेरा इवेंट जल्दी कंप्लीट हो गया। बाकी जितने भी बंदे हैं उन लोगों ने मेरी सिर्फ 1-1 पॉइंट से मदद की, आप देख सकते हो। तो गाइज़ अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो काफ़ी टाइम से ना खेल रहा है तो उसकी मदद लेना, ताकि आपका ये जो इवेंट है जल्दी हो जाए। और यहाँ पे गाइज़ मेरा भी देख सकते हो कितनी जल्दी ये कंप्लीट हो चुका है। और जैसे गाइज़ ये प्रोग्रेस पूरा 100% होगा, नीचे क्लेम का आ जाएगा, आपका बॉक्स जो है मिल जाएगा डायमंड वाला। इसका नाम है 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इस बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है, क्या मुझे डायमंड्स मिलते हैं कि नहीं, ये भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो ये देख सकते हो ये है क्रेट, ठीक है। इसके अंदर आपको 6,666 डायमंड, ब्लैक वाले वाउचर्स और गोल्ड आप देख सकते हो 8,000, 10,000, 16,000 तक मिलेगा। तो यहाँ पर जो चांसेस हैं डायमंड निकलने के मुझे लगता है बहुत ही कम है, और यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को मतलब मुश्किल से कुछ ही गिने चुने लोगों को ये मिलेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे शायद ये मिले, तो फिर भी मैं ओपन कर लेता हूँ। वैसे भी एक बॉक्स में क्या ही दे देंगे ये लोग। तो ये मैंने किया क्रेट ओपन और यहाँ पे गाइस मुझे मिले हैं यहाँ पे 8,000 गोल्ड। तो आप देख सकते हो मतलब
बहुत ही कम गोल्ड दिया है, 16,000 गोल्ड भी नहीं दिया, 8,000 गोल्ड दिया है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को गोल्ड ही मिला होगा। और यहाँ पे आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका ये इवेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो आपको इसी बॉक्स में से क्या मिला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी था। ओके बाय।